देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 हो गया है, जिसमें 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,720 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1,129 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है। ICMR ने अपने आंकड़ों में बताया कि बुधवार को भारत में कोरोना के करीब 1,54,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ देश में कोरोना की टेस्टिंग की संख्या 1,50,75,369 पर पहुंच गई है। भारत में फिलहाल कोरोना के 4,26,167 एक्टिव केस हैं। देश की माया नगरी मुंबई में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,310 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,572 पर पहुंच गई है। माया नगरी में 58 लोगों की मौत के साथ अब तक कुल मरने वालों की संख्या 5,872 हो गई है। वहीं 1,563 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75,118 हो गई है। हाल बयान करते हैं देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 843 नए केस मिले हैं। इनमें भोपाल में 144 और इंदौर में 99 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,474 पर पहुंच गई है। वहीं गुरुवार को 10 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में अब तक करीब 800 लोगों की मौत इस घातक वायरस में दर्ज की गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर बुधवार को फिर देखा गया है। 961 नए मामलों के साथ 6 लोगों की और मौत हुई। बुधवार को राजस्थान के अलवर बीकानेर में 3-3 और संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। इससे राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 583 हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। भारत में भी कोरोना के नए मरीज बढ़ने का आंकड़ा दुनिया के मुकाबले दुगना हो गया है। भारत में इस महीने मरीजों की रफ्तार 3.6% की दर से बढ़ी है और अमेरिका की बात करें तो यहां संक्रमित मरीजों का दर 1.8% रहा है। यानी कि भारत में कोरोना के नए मरीज बढ़ने की रफ्तार US अमेरिका के मुकाबले दुगनी गति से बढ़ रही है, जो कि वाकई चिंता का विषय है।